وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا انتهائي واجب الاحترام قابل تعظيم و تكريم شرفاء اسلام دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العزت کا بڑا احسان تھا اللہ تعالی نے مبارک مہینہ اور مبارک مہینے دا مبارک جمعہ نصیب فرمائے الحمدللہ کافی سارے جو لوگ جو پچھلے سال تا موجود ہن اس سال موجود نہیں پچھلے سال والے لوگ رمضان المبارک یا بہاراں لٹھے نے بہاراں لوٹے نے لیکن وہ اس سال موجود نہیں اسا اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں جو اللہ تعالی نے دوبارہ سانو مہلت عطا فرمائی اپنے گناہ کے لیے توبہ کرن دی انسان انسان اس وقت بردے جب انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مطابق زندگی گزارے اللہ رب العزت دے احکامات مندے اللہ دے حکم کو تسلیم کرے عقل دے اندر آوے یا نہ آوے بہرحال تسلیم کرنا وہ لازمی ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سن 8 ہجری دا رمضان المبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ فرمائے سوال اٹھنے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محترم شہر مکرم شہر حرمت والا شہر کیوں فتح کرنا ہے مکہ المکرمہ دا حرمت رومن اپنی جا مسلم لیکن اہل مکہ نے مکہ المکرمہ دی حرمت کو پامال کیتا کعبہ بیت اللہ کے اندر اللہ کے نام بت رکھ دیتے ایک کعبہ دی اور مکہ دی حرمت آپا مالی حرمت زہر ہے کیونکہ وہ پہلا گھر ان اول بیت وُضِع للناس بمکہ تھا وہ پہلا گھر جرا زمین دے اوتے پہلا گھر اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے ایک گھر بنائے اللہ تعالی نے مبارک گھر مکہ المکرمہ بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کو مکہ کے اندر بنائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلیٹے جو بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نام کے بت بنائے گئے اور بت رکھے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شہر کے اندر 53 سال گزارے 53 سال گزارن کے بعد اہل مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال اور آپ کے صحابہ نال ظلم و ستم کیتے مجبوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرن لگیے
मक्का के ने मदीना की तरफ आप अलैहिस्सलाम ने जारी हिजरत फरमाते पाया ते आप अलैहिस्सलाम जारी हिजरत शुरू की थी है हिजरत शुरू करा तो बाहर जाए वजह लगे मक्का के ने मदीना की तरफ आप अलैहिस्सलाम दोबारा दोबारा बार बार इधर मक्का की तरफ और इरशाद फरमाते ओ मक्का ओ अल्लाह का घर ओ बैतुल्लाह काबतुल्लाह मैं तो वो करेगी ना छोड़ा तेरे के रुखसत करेगी ना दीवा मेरा दिल गवाना नहीं पकड़ा ते को छोड़ा था मैं क्या करा तेरे लोग ने बुरा मान ले ले 53 साल जरा आदमी अपने शहर के अंदर गुजारे मानूस की वजह वालों दोबारा हिजरत करने के मजबूर करते हैं ते कितना दिल दुखे बेवारी गुजरती है ना गवारी गुजरती है लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कुफार जा मुसीबत बर्दाश्त की थे इयो मक्का जिता आप अलैहिस्सलाम ने 53 साल गुजारे आप अलैहिस्सलाम दूते जुल्म और सितम किया गए सहाबाए किराम दूते जुल्म और सितम किया गए आप अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर रहते हुए गारे सवर अंदर तरह वाला गुजारे ना क्यों गुजारे मक्का वाले दे जुल्म और सितम के ने बचा दी खातिर आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत शुरू की थी मदीना तशरीफ गेंदन मदीना जिंदा रामा शुरू कर दिते ने वल आप अलैहिस्सलातु वसलाम ने कुछ अरसा बाद ख्वाब दिखे ओ ख्वाब क्या आई ओ ख्वाब ये दिखे आप अलैहिस्सलातु वसलाम ने जो मैं और तेरे सहाबा असा मक्का जिंदा दाखिल दीदे पे हैं असा उमरा पे करे दी हैं आप अलैहिस्सलातु वसलाम ने सहाबाए किराम को अपना ये ख्वाब दसाए सहाबाए किराम का जज्बा ईमानी जोश मारन लगे भड़कन लगे फरमाया या रसूल अल्लाह वल का पीछे प्यार की जो गिनो ऐसा उमरा करू आप अलैहिस्सलातु वसलाम और सहाबाए किराम उमरे का एहराम बद के ने आप अलैहिस्सलातु वसलाम ने मक्का का सफर शुरू कर दिया उमरे के वास्ते कोई लड़ाई का इरादा ना हो कोई जंग का इरादा ना हो अरब रिवाज के मुताबिक एक एक तलवार हर आदमी के लिए है कोई भी नियाम के अंदर हाथ अंदर ना आप अलैहिस्सलातु वसलाम सफर शुरू कर दिया फिर कुफार को पता लग गया आप अलैहिस्सलातु वसलाम और उन्होंने साथी अंदर में मक्का उमरा करन दी खातिर उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वसलाम को मकाम हुदैबिया देते हैं जब आजकल शुमै से आ कर रहे जितना आजकल सऊदी हुकूमत हुरू वाले आदमी वासे जेल भरी है वो जा रहे आप अलैहिस्सलातु वसलाम को और सहाबा इकराम को रोज लिखा है कुफार ने आके रुआसा है मक्का ने आके मक्का के सरदार ने आके आए मोहम्मद असल दे को उमरा भी कर देना वहां आप अलैहिस्सलातु वसलाम एहराम पाते रहे आप अलैहिस्सलातु वसलाम और सहाबा इकराम एहराम की हालत के अंदर आप अलैहिस्सलातु वसलाम को अगर ईसा को सम्रा ना करो हम तो सा वापस लगे बजो कुछ वादा कर दे रहे कुछ वादा आप वादा कर दे रहे उन्हें मुताबिक कुछ शरायत तुसा तस्लीम करो कुछ ऐसा तस्लीम करे सो लिहाजा शरायत तस्लीम ठीक है ईसा मुसा वापस चले जो वापसी वाला है कजा उमरा कर आप अलैहिस्सलातु वसलाम उठे हलक कराए एहराम खोले ने दोबारा चले गए घर मदीना का सफर शुरू कर दे दोबारा आप अलैहिस्सलातु वसलाम कब आए जब फतह की तरह मक्का को उस वक्त है पहले इसके लिए वादा किया इधर हुदैबिया के मकाम के होते हुदैबिया के मकाम पे थे वादा है या शर्त ये लगी जो वक्त तुसा लगे बने शर्त उस वक्त ये लगी जो मक्का वाले और मदीना वाले कई जंग का हिस्सा ना करे सन कई जंग के अंदर शिरकत ना करे सन ए तुसा सारा वादा है ना तुसा कहीं दी जंग के अंदर शरीक थी सो और ना असा शरीक थी सो
एक वादा आप अलैहिस्सलाम ने ठीक है कबूल है। आप अलैहिस्सलाम ने वापस चले गए। जंग करो हम किसम का तावन असा करे सो हालांकि पहले वायदा किया शर्त लगी जो शर्त क्या है जो ना तुसा की जंग का हिस्सा बचो ना असा बचो जमात को बैठा जब आप अलैहिस्सलाम ने वादा तोड़े वल कुफारे मक्का बड़े खतरे के अंदर आ गए उन्हें को खतरा लग गया जो और सारे पे हमला करे से अगर ये हमला करे से तो वल कोई नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वादा अगर ना टूटा हो गया वल का काल बढ़ती रही वल कैसा आज संध्या से बाबा सारा वादा करना किया है यार कुछ जान नहीं कर सकते और जैसा वादा तोड़ बैठे हैं और आप अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और उनके साथी आपके साथ जंग करे सर साधु शिकास्त हो सी ये मजा करे उन्हें ने सोचे जो हम ऐसा दोबारा इस मामले की इस वायदे की इस शर्त की तजदीद करो इस शर्त को और इस मामले को वायदे को अपडेट करो वल उन्हें ने भेजे हजरत अबू सुफयान को उस वक्त मुसलमान न रहे अबू सुफयान को कलरा भेज देते ने अबू सुफयान कलरा आया कि भाई इदी बुनियादी वजह से भेज के अबू सुफयान दी बेटी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जौजा मुतरमा आई बीवी आई ई वजह के अबू सुफयान ने आके चलो मैं भी गाल ना मरे सिंध मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी की गाल तक मरे सिंध मैं अपनी बेटी उम्मे हबीबा को आसा और उम्मे हबीबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिफारिश करे सिंध हो सकते जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेट अपनी बीवी की गाल मान के उस शख्स को दोबारा बहाल करें। अबू सुफयान ने मक्का के सफर शुरू किए मदीना की तरफ सफर करेंगे करेंगे मदीना पहुंच गए जो ही मदीना पहुंचे अपनी बेटी के घर के अंदर गए घर के अंदर गए तरीके ने चार पाई बिछी पिए चादर बिछी पिए उन्होंने अपनी बेटी ना गाली जारी करके ने बावन लगे ते हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा जे अबू सुफयान की बेटी है वो आके एक मिनट ना कुरे हो उन्हें आके जी अकेले जरा दगुए बिस्तर लपेटा दे वो बिस्तर में कुछ चावा दे वो पीछे बावा है अबू सुफयान परेशान थी क्या आपके जी बेच गया था वो हो गया ना वाले दावे तो बिस्तर भी चेंज ने ना वाले दावे तो मैं इकराम करे ने ना वाले दावे तू दे वास्ते अपने बाजू पीछे ने ना तू के जी बेटी में मैं आया बिस्तर बिछा के तुम्हारी बिस्तर में कुछ चावा दे
تے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو سفیان واقعی تمہارا باپ ہی میں واقعی میں تیری خدمت کرے سا واقعی میں تیرا احترام کرے سا تیری عزت کرے سا لیکن گار سن اللہ رب العزت کا پیغام ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے انما المشرکون نجسون اے ابو سفیان میرے والدین گال مچارے لیکن اللہ نے فرمایا مشرک نجاسے مشرک پلید ہے بستر ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ہوئے آمنہ کے دور یتیم دا بستر ہوئے امام الانبیاء دا جتا اللہ رب العزت گندی مکھی کو نہیں پاون دے میں اٹھا ام حبیبہ ایک مشرک کو ایک پلید کو کینے پاون دے ماں بستر تک چاہ مجھے پیچھے پاؤں اے جن گال حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد کو کی دیئے حضرات نے اپنے کتابے دے اندر نقل کیتے ابو سفیان دا دل ہل گیا ایک دفعہ ابو سفیان نے کہ جی کیڑی شے ہے جڑی دین دے اندر اسلام دے اندر جڑے آج بھی کو مضبوط کر لیندی ہے طاقت فرم بنا لیندی ہے کو ول او گالی کہندے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے لیکن معاہدے دے اندر تجدید نہیں کیا معاہدہ اپڈیٹ نہیں کیا ابو سفیان واپس مکہ چلے گئے مکہ گئے بل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیتا جو معاہدہ جو ٹوٹ گیا ہن اسا جنگ کرے دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیتا صحابہ کرام جمع لے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال اور سفر شروع کر اتنے مکہ کو فتح کرن دا سفر شروع کی گئے سفر جاری ہے سفر کرنے کرنے مرض زہران دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی پہنچے اوہ ابو سفیان جیرا معاملے دی معاہدے دی تجدید کرنے واسطے آیا ہے اس وقت مسلمان نہ ہے مرض زہران دے اندر وادی جریے جگہ جریے اون دے اندر آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ابو سفیان آ کے او مقام دے اندر دی کلمہ پڑھ کے دسی مسلمان تھی گئے مسلمان اس وقت تھی ہے ابو سفیان کلمہ پڑھ کے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بن گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جان نثار کر گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوسر ہے اس وقت عزت نہیں دیتی تھی اس وقت عزت نہیں تھے ابو سفیان دی کیوں بنیادی وجہ مشرک ہے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے مشرک نال دوستانہ تعلق مشرک دا احترام وہ اپنی جگہ والد ہوما دے ناطے کیا جا سکتے لیکن مشرک نال دوستی اور مشرک نال دوستانہ تعلق اسلام اوندی اجازت نہیں دینا کیوں مشرک دوبرا ہوندے مومن دا تری خیر خواہ مشرک نہیں تھی سکدا بہرحال ابو سفیان اس وقت مکہ دے اندر سردار ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دے اندر داخل ہے بغیر کی قسم دے خون ریزی دے بغیر کی جنگ کران دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مل گئی مکہ فتح تھی گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دے اندر اپنا اسلامی جھنڈا گاڑ دے اور صحابہ کرام بڑے خوش تھی گئے صحابہ کرام میرے جان نثارو اج جڑا دی او دی الیوم الیوم الملحمانی بدلے دا دی نہیں اج دا جڑا دی اے اج دا دی الیوم یوم الملحما اج دا دی رحم دا دی اے اج دا دی معافی دا دی اے اج دا دی رحمت دا دی اے او وی اگر سارے تے ظلم کیتے نے اگر آج سارے تے بھٹ دے جا گئے سا والے با گئے کفار مغرور دی گئے ادا اے مدار نہیں جن ہونے سارے تو ظلم کیتے اسا بھی ہونے ظلم کرو وال ہونے دے سارے درمیان کیا فرق رہ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان دی سرداری برقرار رکھی ابو سفیان کو اس وقت پر ٹوڑ نہ دیتا جب مدینہ دے اندر
शांत की तजदीद वास्ते आए बिस्तर बिछा पिया उनको लपेट गए ने चा गए ने जब मुसलमान थी गया हो देखो आप अलैहि सलातो व सलाम ने कितना इज्जत दी है कितना पवित्र बोल देते आप अलैहि सलातो व सलाम ने अबु सुफयान को सरदारी ने खत्म कर देना सरदारी पर इकरार किए और दिया पर तदोल भी इज्जत हजरत अबू सुफयान को ये आप अलैहि सलातो व सलाम ने दी वो ए रीति आप अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाए ला तसरीबा अलैकुम अलयौम ओ मक्का वाले मतलब ये समझो जो आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उनके सहाबा غالب आ गए सारे नाल खड़े के बदला गिनसन सहाबा इकराम के दिल दिल तक आई तरफ का ही बदला गिना दी सहाबा इकराम के आके आई जिन्होंने सारे वाले को कत्ल किए शहीद किए आज ऐसा को कत्ल करे सु जिन्होंने कहा के अंदर सकी आई आज ऐसा उनके बदला गिनसु जिन्होंने सामने जनाब बदला गिताई हिजरत के लिए मजबूर किए आज ऐसा भी और बदला गिनसु लेकिन आप अलैहि सलातो व सलाम ने ऐलान फरमा दे ऐ मतारे ला तसरीबा अलैकुम अलयौम आज दरी कोई परेशानी दा नहीं गई आज दरी कोई गम दा नहीं गई आज दरी खुशी दा नहीं है अलयौम यौमुल मरहमा आज दरी खुशी दा नहीं आज दरी माफी दा नहीं आज दरी दा रहमत दा नहीं है ये सिर्फ नबी का संदेश नबी उम्मती नहीं कर सका क्यों देखो सहाबा इकराम उम्मतियां उन्हें जो दिल देता इंतकाम का बदला है लेकिन आप अली सलातो व सलाम इमाम रबिया रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर उन्हें ये शाह फरमाए थे ला तसरीबा अलैकुम अलयौम ओ मक्का वाले परेशान न थियो गम सदा न थियो आज तारी खुशी का नहीं है आज तारी रहमत का नहीं है मैं मोहम्मद मैं नबी का ऐलान कर देना जेरा अपना दरवाजा बंद कर गिरे वो माफी के काबिल है जेरा मैं पैगंबर ऐलान कर देना जेरा अबू सुफयान के घर के अंदर दाखिल थी गए वो भी माफी के काबिल है देखो आप अलैहि सलातो व सलाम ने कितना प्रोटोकॉल दिए कितना इज्जत दी है हजरत अबू सुफयान को किस वक्त दी है जब मुसलमान थे गए आप अलैहि सलातो व सलाम का कलमा पढ़ गए ने उस वक्त आप अलैहि सलातो व सलाम ने इज्जत दी है मर्तबा और मकाम दिए फरमाए जरा दाखिल थी गया अबू सुफयान के घर के अंदर समझो वो मोहम्मद वो आप अलैहि सलातो व सलाम ओ पैगंबर दे घर के अंदर दाखिल दी गया उनको माफी है ओदे ओदे के ओदे के मत हो के ने जरा बदला है इंतकाम है ना बिना देसी और आप अलैहि सलातो व सलाम ने त्रीजा ऐलान फरमाए आप अलैहि सलातो व सलाम फरमाए जरा बैतुल्लाह के अंदर काबातुल्लाह के अंदर दाखिल की देसी वो भी अमन के अंदर होसी वो भी बदला और इंतकाम ना की देसी आप अलैहि सलातो व सलाम ऐलान फरमाने के बाद आप अलैहि सलातो व सलाम मक्का के अंदर दाखिल थे बैतुल्लाह के अंदर दाखिल थी गए चाबी मंगवाई ने चाबी वो आदमी के लिए ही जहां मुसलमान न थे ना ही हजरत उस्मान उस्मान गनी नहीं बे उस्मान हजरत उस्मान के लिए चाबी जिस वक्त उस वक्त मुसलमान न थे आप अलैहि सलातो व सलाम ने चाबी मंगी आप अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया ये उस्मान चाबी दे उस्मान ने आके मैं चाबी नहीं मिलेगा आप अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया उस्मान वो वक्त याद रखी वो वक्त याद रखी जब ये सारी हुकूमत होसी सारा बलबा होसी मक्का के ऊपर सारा कंट्रोल होसी चाबी या मेरे हाथ के अंदर होसी बल मेरी मर्जी मैं जयपुर लेवा वो उस्मान खेला लग गया एक ही में थी सदे असा का मक्का दे सरदार है सारे के लिए हर किस्म का असलिया है सारे के लिए ताकत है एक ही में थी सदे थोड़ी गाल जो तुसा करा मक्का दे कंट्रोल होसी करा गलबा होसी आप अली सलातो सलाम पर उस्मान गाल में कहना क्या गाल याद रखी तू बल जाए आप अली सलातो सलाम फतह फतह दर किने मक्का के करीब पहुंचे बैतुल्लाह के करीब पहुंचे फरमाए किता उस्मान उस्मान मुसादा को उस्मान आ गया तब आप पढ़ा करे आप अली सलातो व सलाम का
और रोना करे और वो गाल आप ने सलाम और सलाम बनाए तो उस मां के गाल याद नहीं मैं आ क्या हरी एक वक्त ऐसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस पैगंबर अली हुकूमत ऐसी मेरा कंट्रोल ऐसी मक्का के अंदर वो चाबी जो मैं अब्दुल्ला की है वो मेरे हाथ के अंदर ऐसी वो चाबी की तरह मैं पूरे उस्मान ने कलमा पढ़ के आप अलैहि सलातो व सलाम का सहाबी बन गया चाबी दे रही थी आप अलैहि सलातो व सलाम को आप अलैहि सलातो व सलाम के हाथ अंदर चाबी है आप अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया चाबी कैसे होवे काफी सारे हजरत ने खैस जहर की थी या रसूल अल्लाह चाबी साथ दे दो या रसूल अल्लाह चाबी साथ दे दो असा चाबी कुंजी बरदार में दे बैतुल्लाह दे आप अलैहि सलातो व सलाम फरमाए नहीं आप अलैहि सलातो व सलाम फरमा उस्मान की तरह साधो उस्मान को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अनु आ गए अरे उस्मान रजी अल्लाह तआला अनु को आप अलैहि सलातो व सलाम फरमाए मैं चाबी मंगी तेरे के ने तय चाबी ना ली थी आज बगैर तेरे मंगे मैं मोहम्मद आ चाबी तेरे हाथ में रहना पिया आज तू बाद ये चाबी कयामत तक मेरे खानदान के अंदर चलती हजरत ने अपनी किताबें तथा तारीख की किताबें तथा ने किए बाज सऊदी अरब के शहजादे ने हजरत उस्मान की औलाद के ने खानदान के ने चाबी चावा की कोशिश की थी चाबी गिन के ने गए वन के बैतुल्लाह का दरवाजा खुले दरवाजा ना खुलता है वन बिनता और जारी तरले कितने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के खानदान के आदमी के ने जैन के चाबी गई आओ तो दरवाजा खोले दरवाजा नहीं खुलता वालों ने फरमाया नहीं मैं नहीं इंदा हूं चाबी पाले मिल गए तुलसा जाओ तो दरवाजा जाने खुले या ना खुले मेरा वास्ता नहीं मैं चाबी का मुझे दी थी काफी सारे मिंता तबले जारिया करके ने वाल आप नहीं गए वाल अपने खानदान के एक छोटे आदमी को चाबी दी थी वालों ने दरवाजा खोल लियो वो छोटा बाल गए बैतुल्लाह को चाबी ले सी ताले को ताले को चाबी जो फेरी सी दरवाजा खोल गया अगले की चाबी इस आप पर सलातो व सलाम दी पेशीन गई कयामत तक सच्ची और सादिक रासी आप पर सलातो व सलाम ने फरमाया ये उस्मान ये चाबी हमेशा तेरे खानदान के अंदर रासी ये हजरत उस्मान का एजाज और उन्होंने खानदान का एजाज है आज भी चाबी होना है जो खानदान अंदर चल रही है कयामत तक जारी रासी हजरत अबू सुफयान रजी अल्लाह तआला नु देखो आप रे सलातो व सलाम कितना बड़ा प्रोटोकॉल लेते ए हजरत अबू सुफयान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नु दे वालिद हैं आज कुछ लोग बाप और बेटे के मुताबिक गलत बकदन गाली करेंगे गालियां देंगे तरह तरह का बकवास करेंगे उन्हें को ये आप अलैहि सलातो व सलाम की हदीस जाहिल नहीं आप अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाए अल इस्लाम यहदी मा कान कबला इस्लाम पिछले सारे गुनाह पिछले सारे गलतियां कुटाया खत्म कर दे जब इंसान कुफ्र की हालत के अंदर है उनके गुनाह थे गलतियां थे कुटाया थे जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल थी गए तो आप अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाए वो इंसान और इन्हें समझो माँ दे पेट दे जो दावा दावा पैदा था कोई गुनाह नहीं होते जिसमें अंदर ये बाज लोग हजरत अबू सुफयान और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने जमाना है कुफ्र दिया गाली चाक ने पेश करे दिन और उन्हें जो तमाशा करे दिन जो ये ठीक रहन आज मैं आज ये करे ना अगर कोई सारे सोरे जो थे गलत गाने करे कोई सारे सारे जो मुतालिक बकवास आज करे तो सब सब बर्दाश्त कीसी बर्दाश्त ना कीसी ना शेख पाती रेसो गुस्से के अंदर सारा चेहरा सोखती रेसी जो तय सारे सुसर के मुतालिक तय सारे सौ तय सारे साले के मुतालिक गलत गाने क्यों की कर मंदे क्यों कर देन गाने क्यों दिते न आज कोई आप अलैहि सलातो व सलाम दे सुसर के मुतालिक ओ सुसर जे आप अलैहि सलातो व सलाम को ठिकाना लिखा आप अलैहि सलातो व सलाम दे दीन को ठिकाना लिखा आज ओ अबू सुफयान ओ आज महफूज रही ओ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु जे आप अलैहि सलातो व सलाम दे कातिब वहीन कुरान उतरता है हजरत अमीर मुआविया अपने हाथ नाल लिख दे हन आज जरा कुरान असा कुसा पढ़ दे ए सहाबा इकराम
हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने हाथ दा लिखिया गया महफूज किया गया सारा सा पढ़ दिया है आज रमजान अल मुबारक दा महीना आज कुरान दा सताया पूरे मुल्क दे अंदर पूरी दुनिया दे अंदर पूजया था उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुल फाइजून इदा विस्तार कौन है सहाबाए किराम है ने का विस्तार जितना कोई सहाबाए किराम दे खिलाफ भगे गालियां देवे सहाबाए किराम रोज रोशन दिता वाजेहिन किरदार वाजे है अगर कोई आसमान तो मुंह करके ने थोक सटे आगे ये थोक ना सितारे देते या आसमान तो सटे ना पिया रसाओ मो उते का के थोक सटे ना पे थोक उते विसी और मुंह देते हो सी बजाय साहब जहर मुंह उते रहते हो सी इवे ही अगर कोई सहाबा इकराम के मुताबिक तबर्रा करे सहाबा इकराम के मुताबिक कोई बकवासात करे वो बकवासात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए इला रायतुमुल लदीन यसुबुना सहाबी फकुलु लानतुल्लाहि अला शरिकुम जब देखो कोई आदमी मेरे सहाबा इकराम को तबर्रा करना पाए मेरे सहाबा इकराम को सब शिकाम किया करेंगे तो उनको आगे तेरे इशारे देते अल्लाह की लानत होवे अल्लाह ताला की दुआ है अल्लाह ताला सही माने के अंदर रमजान अल मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमावे सही माने के अंदर जितना बकिया दिन रमजान अल मुबारक दे कदर करने की तो और एहतराम करने की तौफीक अता फरमावे क्योंकि रमजान और इंसान का मुकालमा है आपस के अंदर रमजान ने फरमाया मैं दैनिया तू दैमिनी में तू आरजी में एक और वक्त ही मैं आया मेरी मेजबानी वास्ते इमाम अलबिया मौजूद हैं वल मैं आया आप अलैहिस्सलाम वसल्लम मौजूद हैं एक और वक्त ही मैं आया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मौजूद हैं वल मैं चक्कर लगे मैं आया हजरत अबू बकर सिद्दीक नान इवे फरमाए मैं औसा तुसा कहना औसो मैं अंधा रासा इदा मतलब है असा उस मेहमान दी सही माने अंदर कदर करो पता नहीं जो अगला रमजान अगर अल्लाह का मेहमान नसीब थी दे या नहीं थी ना अगर इस तरीके अल्लाह का मेहमान नाराज थी के गया ते भाई जैसा कल कयामत दी है सा अल्लाह क्या मुंह दिखे सो आज ऐसा बच गए कल दुनिया का कोई मेहमान आवे बच गए जो ऐसा दी कोई खातिर कवाज अंदर तो कोई कमी तो नहीं की थी सारे रंग के नहीं कोई कोताही तो नहीं थी की खिदमत के अंदर ऐसा बच गए इवें ऐसा अल्लाह के मेहमान दे को मुतालिक बचूं और करो कि कोताही तो नहीं थी दी भाई रमजान कोई शिकवा ना करे सी कल कयामत नहीं अगर शिकवा कर गिरा ते खुदा रा कल कयामत नहीं सब पकड़े करे उसको और सियाम वल कुरान यशफाल लिलादी यौम अल कियामा आप अलैहि सलाम की आखिरी हदीस बयान करा आप अलैहि सलाम ने फरमाए कल कयामत आनी उसी मैदान है माशा उसी एक पास रोजा आया करा उसी बी पास कुरान आया करा उसी रोजा उसी अल्लाह ए मैं कुरकदा आई भूख बर्दाश्त करेगा ही प्यास बर्दाश्त करेगा ही अपने नजर की हिफाजत करेगा ही कान की हिफाजत करेगा ही या अल्लाह मैं सफारिश करेगा एक जन्नत के अंदर भेज दे और एक बात और कुरान वाले सी या अल्लाह ए मैं को तरावी के अंदर सुनता ही पढ़ता ही वैसे पढ़ता ही पूरा इमाम ने तिलावत करेगा ही या अल्लाह मैं सफारिश करेगा इस आदमी को जन्नत के अंदर भेज दे वो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए फयुशफ्फान रोजे दी और कुरान दी सिफारिश कबूल करके वो आदमी को जन्नत अंदर भेजा भी सी अल्लाह ताला की दुआ है अल्लाह ताला सब को इदा मिसदार पढ़ावे सही माने पूरे रमजान अल मुबारक दी कदर करने दी एहतराम करने दी तौफीक अता फरमावे वमा अलीना इल्ला अल बलाउल मुबीन।